तो चुनाव जिस तरह से अपने शबाब पर है और जो चुनावी तैयारियां हैं वो भी शबाब पर है, लेकिन जो वोटर बाबू है वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक सज्जन है, घड़ी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो वोट देने जाते हैं? वोट तो भैया हम नहीं डालते हैं अभी। विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है जी। आपका व्यवसाय बढ़ा है? हम लोग का व्यवसाय तो नहीं बढ़े भैया। ये घड़ी बेचने वाला कुछ धंधा बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा भैया। क्या लोग लेते नहीं है या मतलब आप दे नहीं पाते क्या? नहीं, लोग लेते हैं, हम दे नहीं पाते हैं। मैंने पैसा नहीं देता है उतना जो मुझको चाहिए। मैं खरीद रेट नहीं दे पाता भैया। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, सड़क वड़क बनी है? सड़क ये सरकार में कुछ नहीं बनी है। हाँ, हम लोग जहाँ रहते हैं जिला अयोध्या में, वहाँ कुछ नहीं। अरे भाई, बड़ी समस्या है इनके। तो आप देखिए, कुछ तब तक कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, तो क्या हालचाल है? अरे भैया खड़े हो जाओ, बालक जी है सामने, राम बालक जी पर दमदार कैमरा चलाते हैं। तो कुछ विकास विकास हुआ है? नहीं, बढ़िया हुआ, सही हुआ, सब ठीक ठाक हुआ है। सब बढ़िया। क्या क्या ठीक हुआ है? सब सही हुआ जो हो रहा है। सब बढ़िया। सड़क, बिजली, पानी, सब टेंशन नहीं है, सही है सब, एकदम टेंशन नहीं है। पहले टेंशन था क्या? पहले था, अब नहीं है। कैसा टेंशन था पहले? क्या यही था कि कौन क्या करना क्या नहीं। अब जो बीजेपी आई, इसने बढ़िया काम करे, सारे अच्छे काम करे। चाची भी है? क्या चाची, क्या स्थिति है? ठीक है, वोट देने की तैयारी है ना? हाँ भैया, है तैयारी, है पूरी तैयारी है। मुद्दा क्या है, महिलाओं का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो अच्छे से बता नहीं सकेंगे, रोजे से हैं तो कुछ हमारी हिम्मत नहीं पड़ती बात करने को। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक भैया, सब ठीक ठाक है राम बालक जी। और देखिए, यहाँ पर जो आम जनता है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जान रहे हैं। देखिए, बाबा जी भी हैं। क्या महाराज, क्या हालचाल? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है जी। तो चुनाव नज़दीक है, वोट देने जाते हैं आप लोग? अब मेरा मन नहीं बोलता, 4 साल में वोट देते हुए हमारे कोई पूछताछ नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, विकास हुआ है? विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, सब विकास सब जो हो रहा है। कहा जा रहा है, राम जी का मंदिर बन गया, वो एक अलग संदेश है। अयोध्या से आ रहे हम, अयोध्या भंडार देखा है हम, हमारे गुरु जी आश्रम में रणछोड़ भगवान मंदिर पे व्यवस्था है। अयोध्या राम नाम का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश देश, सोमवार को आए थे अयोध्या में भंडार देने के लिए। जिस तरह से राम नाम का संदेश पहुंच रहा है, लग रहा है चुनाव में सुंदर है, सुंदर अति सुंदर। आज मैं 24 साल हो गए हमको अयोध्या जाती हुई, सन 2000 से जा रहे हूँ। उत्साह है बहुत, से बहुत अच्छा अच्छा हो गया, अच्छा कार्य हो गया, बढ़िया मंदिर बन गया, सब कार्य सफल हुआ। युवा है? हाँ युवा है। क्या स्थिति है, बड़ा खुश हो गए? नहीं, स्थिति ठीक है वैसे, मगर रोजगार के मामले में शून्य है सरकार। जीरो एकदम। इस बार मुद्दा बन रहा है? बिल्कुल मुद्दा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, रोजगार के मामले में तो बनना चाहिए मुद्दा, और क्या, क्योंकि रोजगार तो दे नहीं थी सरकार एकदम। रोजगार बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए। क्या चाची, ठीक ठाक है सर? हाँ ठीक ठाक है भैया, बढ़िया। अब देखिए, कुछ और भी लोग हैं, और देखिए व्यवसायी है, और बस स्टैंड पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बेचते हैं। तो क्या हालचाल? बढ़िया है भाई, ठीक ठाक है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते बेचते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग भी है। कितना उत्साह है, चुनावी उत्साह लग रहा है? चुनावी उत्साह वही बीजेपी है बस, और क्या, पहले ही मूड बना लिया क्या? पहले नहीं, पूरा मूड बना है, बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं भैया राम बालक जी, यहाँ तो कुछ नहीं है, और जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं तो शायद आप भी हैं, तो क्या स्थिति है, चुनावी माहौल है? जी जी बिल्कुल है। विकास हुआ है? हुआ तो है, सब जगह हो रहा है, पूरी यूपी में हो रहा है। क्या क्या विकास हो रहा है महिलाओं के क्षेत्र में? महिलाओं के लिए भी विकास हो रहा है, सभी लोगों के, हर वर्ग के लोगों के लिए हो रहा है विकास, तो और महिलाओं के लिए तो हर जगह से, तो आप खुद ही जानते हैं। तो जनता है, जनार्दन है, वोटर बाबू है, तो कोविड से बचाओ एकदम पूरी तरह से। हम तो नेपाली नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, विकास है भैया, ये लोग तो अलग हैं, कह रहे हैं नेपाली हैं, हिंदी नहीं जानते, मगर नेपाल और भारत का एक अलग संबंध है, अपना संबंध है। आप बताइए, चुनाव का मिजाज जमा है? चुनाव का मिजाज जमा है, जमा है। विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ है? अब विकास, हम लोग किसान आदमी हैं, हमें तो विकास मिल ही रहा है।
और देखिए यहाँ पर दुकानदार भी हैं और ये लोग चाय भी बनाते हैं, बिस्किट भी खिलाते हैं लोगों को। कैसा व्यवसाय चल रहा है? सही है सर जी। क्या लग रहा है, विकास है इस बार? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? राम मंदिर के ऊपर बोल गया भाई सब। चाय बनाते हैं, राम मंदिर का मुद्दा एकदम है मन पे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हमेशा मोदी के साथ ही रहे, मोदी के साथ ही रहे बिल्कुल भैया। और क्या साथ रहेंगे, कहो भैया। ठीक है, हाँ सब बढ़िया है भाई साहब, ठीक ठाक है सब। चुनाव में बढ़िया है, विकास हुआ है? विकास हुआ क्यों नहीं है, वो भी कहने की बात है, अब तो देख ही रहे हैं आप। अरे वोटर बाबू आप हैं, आप बता। तो हम तो वोटर रहिए, विकास तो है ही है ना? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? सभी कुछ हुआ, सड़कें लो, गाड़ी घोड़ा लो, सभी कुछ तो हुआ। तुरंत गाड़ी लगती, तुरंत जाता है यात्री, यानी बस यात्रा का भी सुधार पूरी 101% सुविधा है। देखिए यात्री बस यात्रा कर रहे हैं और ये सुधार दिख भी रहा है। थोड़ा थोड़ा जनता शिकायत भी करती रहती है, बीच तो आदमी करेगा ही शिकायत ना, ज्यादा अच्छा होता तो शिकायत करता है, और ज्यादा अच्छा है इसलिए आदमी शिकायत करता है, ये अलग बात। और देखिए कुछ लोग और भी हैं। भैया क्या स्थिति है, यूपी घूम? मैं हाँ यूपी घूम रहा हूँ भैया। घूम रहे हैं? हाँ। विकास दिख रहा है? विकास अच्छा हो रहा है। कहाँ से आए? मैं बेंगलोर से। बेंगलोर से, आईटी सिटी। हाँ जी। कुछ लग रहा है उत्तर प्रदेश में है आईटी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले से बदलाव है, काफ़ी बदलाव है। कैसा बदलाव है? मतलब रोजगार भी ठीक है और एजुकेशन के सेक्टर में क्राइम वगैरह सब कुछ, मतलब क्राइम नहीं है, ठीक है, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है भैया राम बालक जी, पहले से बेटर है। और यही बेटर यानी जो बेहतर है वो जो आम वोटर है उनको संतुष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो बस में लोग हैं, जो बस में यात्रा कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं राम बालक जी? चले चलते हैं। जो वोटर बाबू हैं वो क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे कि आखिर जो लखीमपुर की जनता है उसका मिजाज क्या है। लखीमपुर के वोटर बाबू इस चुनाव को, इस विकास को कैसे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो वोटर बाबू हैं वो। लखीमपुर बोला, लखीमपुर भैया, ये लखीमपुर चल रहे हैं कंडक्टर बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, बढ़िया, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया साहब। विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ साहब। लखीमपुर में कितना विकास? अरे बहुत विकास ही विकास है। वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मिजाज हुआ है तो चढ़ जाते हैं बस पे। और लखीमपुर का जो सब ये सफर है जी, वो कैसा सड़क बनी है वहाँ पर? जिस तरह पहले कहा जाता था जंगली क्षेत्र, बड़ा डर नहीं, अब तो खैर गनीमत है, बढ़िया सड़कें हो गई हैं, सुधार भी हो गया। आप भी साथ में, ठीक ठाक है मामला? हाँ मामला ठीक ठाक है। क्या मामला ठीक ठाक है? लखीमपुर में और देना तो बिल्कुल जाएंगे। लखीमपुर में क्या? लखीमपुर में जो है दो तीन ओवरब्रिज बन गए जिससे जाम की समस्या खत्म हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, जाम एकदम खत्म हो गया, जाम जो है समस्याएं हल हो गई हैं बालक जी। और देखिए ये बस, और इस बस से जो जनता है वो सवारी करती है और इस बस की जनता अब अपनी राय दे रही है, आम जनता है। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? लखीमपुर, सीतापुर। ये जो चुनाव की बयार है, लोकसभा का चुनाव है, विकास हुआ है जमीन पर? विकास तो हुआ ही। कैसा विकास हुआ है? अब ये इतना हो, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब? हाँ है, सड़क बनी का, सड़क बनी। पहले चाचा से ले ले, तो चाचा वोट देने जाएंगे ना? हाँ जरूर जाएंगे। मुद्दा क्या होगा है? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो खैर विकास तो हुआ है, लेकिन समझ लीजिए जो है युवाओं का विनाश भी हुआ, पढ़े लिखे लड़कों की नौकरियों का बहुत बड़ा हताशा हुई है, नौकरियां भी लड़कियों को नहीं मिल रही है। बाकी विकास हुआ है, बिजली पानी और का ये सब व्यवस्था ठीक है। ठीक है, हाँ ये तो ठीक, जो सुविधाएं हैं वो ठीक है, नौकरियों की समस्या, नौकरियों की विशेष समस्या है। सब लड़के जो है वो रेज हो गए पढ़े लिखे और उनको नौकरियां नहीं निकली और नहीं मिल पाई। ये बस लखीमपुर की ओर जा रही है, लखीमपुर की ओर। लखीमपुर की जमीनी समस्या क्या क्या निदान हुआ? हाँ निदान लगभग चल रहा, विकास तो चल रहा है, और बाकी यही है समस्या, ये है कि लड़कों की जो है बड़ी बर्बादी हो गई। चाचा आप भी वोट देने जाएंगे ना? वोट जब उसमें देखा जाएगा मैं कहाँ पर रहूंगा, मैं तो बाहर भी चला जाता हूँ ना। बाहर चले जाते हैं? अरे अपने मताधिकार का प्रयोग करें, हमारी अपील है। लेकिन मुद्दे क्या है इस बार, वोटर के मुद्दे क्या है? कुछ नहीं, हमने तो जिंदगी भर देखा यही सब, मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में रहा ना, 40 साल गवर्नमेंट सर्विस में एज ए चीफ इंस्पेक्टर रहा लखनऊ के अंदर, और वो समय जो देखा, आज का समय देखना बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत परिवर्तन है,
परिवर्तन क्या है? क्या अपनी अपने दे जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाह कर देंगे और उसके अनुसार कोई नहीं बढ़ता, मतलब खाली दावे होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। दावे केवल झूठे भैया, नेता जी लोग झूठ बोलते हैं और जनता इसको याद रख लेती है। और चाचा आप बहुत देर से कह रहे थे लेकिन हम आगे आगे जो युवा, तो हमसे बता दीजिए क्या आप लोगों ने कई चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है इस चुनाव में मुद्दा क्या है? देखिए मुद्दे की बात अगर करेंगे आप तो हर प्रबुद्ध वर्ग चाहता है कि देश सुरक्षित हो, शिक्षित हो, लोग सुखी हो, संपन्न हो, आतंक भ्रष्टाचार न हो। उस पर काम हो रहा है, काम उस पर हो रहा है। लोगों के तीन तीन चार चार कार्ड हुआ करते थे, खत्म हुए। लोगों के गांव में वोटर आईडी, शहर में वोटर आईडी खत्म हुई। राशन कार्ड तीन तीन जगह खत्म हुए। चाचा ये कैमरे में देखिए, कैमरे में अभी बालक जी हैं। स्कॉलरशिप जो थी वो दो दो जगह तीन तीन जगह खत्म हुई। गवर्नमेंट सिस्टम को लागू कर रही है। राशन अगर मुफ्त में न दिया गया होता तो कोरोना पीरियड में पता नहीं कितने और चले गए होते। आज की स्थिति ये है कि हम सुरक्षित हैं, दबंगई गुंडई नहीं है, हम महिलाएं आराम से निकल रही हैं। वरना पहले की जगह दीजिए भाई, ये वोटर बाबू आज जाना चाहते हैं आगे और नेताओं से पहले ये पहुंचेंगे। हाँ है ना, ठीक है। और प्रयास हो रहा है, हम सुधरे। जैसे भैया ने कहा अभी सुन रहे थे कि बेरोजगारी है, जितना गवर्नमेंट बजट बनाती है अगले 5 साल के लिए पब्लिक उससे 20% आगे बढ़ जाती है। अगर हमने 1 करोड़ का बजट बनाया कि इतना विकास कर लेंगे, तब तक 5 करोड़ और हो गए तो वो फिर अधूरा रह जाता है। लिहाजा मजबूरी है कि हम अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दें, थोड़ा जनसंख्या नियंत्रण करें, थोड़ा शिक्षा की ओर ध्यान दें। अब हम ठेके पर स्कूलों में नाम लिखा देंगे और इम्तहान दे देंगे। आप पढ़ने वालों की भीड़ खड़ी है, मैं टीचर भी रहा हूँ, मैं एजुकेशन जुड़ा हूँ। जब हम अभी प्रिंसिपल का कुछ काम देख रहे थे तो जिस कहते मैं एमए करके आया हूँ और पूछो तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। यानी पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं है? पढ़े लिखे लोग अगर शिक्षित हैं बेरोजगार नहीं है। यानी शिक्षित हैं जो बेरोजगार है नहीं है? वास्तव में जो सुशिक्षित हैं बेरोजगार नहीं है। और आप अगर कोई बाबू ही बनना चाहोगे, व्हाइट कलर जॉब चाहोगे, सबको गवर्नमेंट कहाँ से जॉब देगी? ये देखिए ये बड़े मुद्दे हैं। और बगल में आप हैं चाचा, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो युवा हैं सही कह रहे हैं, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, सब सही कहा उन्होंने। सड़क बिजली पानी के बाद अब रोजगार पे मुद्दा आ गया है। कई लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, युवा आप हैं, है रोजगार? शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक है? ठीक है। युवाओं का मुद्दा क्या है इस बार वोटिंग? युवाओं का मुद्दा है लगभग सही। अब देखिए राम बालक जी, कई बार जो युवा है वो आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए एक और है, अपना खाने पीने का जुगाड़ बना लिए हैं। देखिए पहले बस चली है तो पहले काम खा के फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बोलेंगे कहो। आप अपनी बताइए, आप भी वोटर बाबू हैं, क्या लग रहा है, मिजाज कैसा है और किन मुद्दों पर वोटर बाबू इस बार वोट करेंगे आप? नहीं नहीं, तो मिजाज किस बात का? लखीमपुर में, लखीमपुर लखीमपुर में विकास हुआ है? खास विकास नहीं हुआ, जंगल का क्षेत्र है कहा जाता था। हाँ, जो जमीनी समस्या है हाँ, वो भी है। है क्या? हमारा तराई इलाका है, ठीक है। और मौसम का जहाँ आप हाल जो पूछ रहे हो, ये कैसा पूछ रहे हो? इलेक्शन का माहौल जानना चाह रहे हो कि मौसम का जानना चाह रहे हो? क्या हम इलेक्शन का हाल जानना चाहिए? इलेक्शन में क्या मिजाज है? अरे नाम तो बिल्कुल ना हमको जानना है, हमें तो मुद्दे जानने हैं। क्या मुद्दे जानने हैं? किन मुद्दों पर वोटर बताएं? देखिए फाइनली हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है, कोई हो ही नहीं सकता, इफ एंड बट नहीं। ये तो पूरा फाइनली ही बता दिए, लेकिन मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर जिता देंगे आप लोग जो फाइनली आप बताएं? देखिए होता क्या है सर कि हर चीज का एक सही वक्त होता है। कांग्रेस ने बहुत साल राज किया, उसके सितारे थे, इनके सितारे हैं। उधर जरा देखिए, अभी 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 जल्दी इनको को हटा भी नहीं सकता और कहीं से नहीं हटा सकता, ना राज से हटा सकता है, ना केंद्र से हटा सकता है किसी लेवल पे। केंद्र राज को छोड़ के जब पूरी सरकार ने हर जगह पर कब्जा कर रखा है, हर जगह अपने लोग हैं, और जो अपने लोग कह सकते हैं या जो लोग थे वो मेरे अपने हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? या तो मेरे लोग हैं या जो लोग थे वो अब मेरे हैं। तो बीजेपी को कहीं से कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वोटर
दमदार होता है, मुद्दों पर वोट करता है और वोट से चोट करता है। ये ताकत वोट की होती है और मुद्दों पर ही वोटिंग होती है। तो इस बार के लखीमपुर के मुद्दे क्या है? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिजली, पानी, स्वास्थ्य कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को राम मंदिर मिल गया, इस बात के ऊपर ये पूरा इलेक्शन जीता जाएगा। तो चलिए, बगल में महिला है और देखिए वो बच रही हैं, आप बोल देंगे तो वो बात कर लेंगे। तो कह दीजिए, कुछ बता दें महिलाओं के क्षेत्र में क्या है। नहीं, अरे सुनिए, थोड़ा बालक जी जरा दिखा तो दीजिए। ये लखीमपुर की महिलाएं हैं और बालक जी के कैमरे से बच रही हैं। राम बालक जी हैं ये, और राम जी की बात हो रही है। और हम वोटर बाबू रोजाना जी उत्तर प्रदेश पर 3:30 बजे दिखाते हैं। और राम बालक जी ये लखीमपुर के रहने वाले हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखे हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या हालचाल है? ठीक वाला सर, ठीक बा। तो विकास हुआ है जमीन? क्यों नहीं, विकास हुआ, ठीक ठाक। हाँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मुद्दों बीजेपी पर करेंगे सीधा। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सारी व्यवस्था है, गरीब बीमारियों का इसमें सही, सब ठीक ठाक, चकाचक, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। भैया राम बालक जी एकदम युवा संतुष्ट है, सब बढ़िया है। देखिए पीछे एक है, क्या भैया सेना उना में जाने की तैयारी है क्या? देश सेवा करोगे? जी है? जी, देश सेवा करने की तैयारी है। नेता नहीं बनोगे? नहीं। अरे वो चुनाव आ गया, वोट वोट मांग लो भैया। नहीं, सब लोग मांग रहे हैं। अरे वो तो है, मांग लो, तुम भी मांग लो। मांग लोगे? जी। बनोगे क्या? आगे बन चल रहे, क्या लड़ोगे? प्रधानी लड़ोगे? सांसद ही? नहीं, क्या लड़ोगे? नहीं सब ऐसे एकदम, बस ऐसे ही ठीक हो? तब तो तुम्हारे बगल में आने लायक है, तब तुम वोटर हो, नेता नहीं हो। तो और बताओ कैसा चल रहा है? सब ठीक है, ठीक ठाक माहौल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे सर? सब ठीक ठाक है, जो मुद्दा है सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो विकास हुआ है लखीमपुर? बिल्कुल हुआ है। कैसा विकास है? सबसे बढ़िया विकास हुआ है। क्या क्या हुआ? अच्छा जी बताया जाए तो देखा जाए, हुआ है बढ़िया विकास सब, चकाचक ना एकदम। जी राम बालक जी सब एकदम चकाचक। और ये लोग बता रहे हैं, देखिए चाचा आ गए हैं। क्या चाचा, क्या बात, ठीक ठाक है? चुनाव है, वोट देने जा रहे हैं? नहीं वोट देने नहीं जा रहे हैं। अरे अभी नहीं जा रहे हैं, जब जाएंगे, जब वोटिंग होगी तब तो जाएंगे। अरे तब तो जाएंगे ही, एकदम तैयारी कर लिया ना? हाँ। नेताजी लोग वोट मांगने आ रहे हैं? हाँ वो तो आएंगे ही। जमीन पर कुछ हुआ है कि खाली वोट ही मांगने चले? नहीं हुआ, बहुत कुछ है। क्या क्या? बहुत सारे विकास हुए हैं भाई। सारे में क्या हुआ है? अरे बहुत हुआ, कॉलोनी मिले हैं लोगों को, सबको कॉलोनी मिल गई है, सबको राशन मिल रहा है। हाँ पहले क्या था? पहले क्या था? पहले अब 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, 2,40,000 रुपये दे रहे हैं कॉलोनी का, गांवों में भी दे रहे हैं 1.5 लाख रुपया कॉलोनी का। जिनके छते नहीं थे उनके छते हो गए, और क्या चाहिए। अरे सब ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल ठीक है। मुद्दा क्या है इस बार? वोटर बाबू क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं अब मुद्दे क्या है, जो सुविधाएं मिल रही है। आजा बेटा, आजा इधर। सुविधाओं के नाम पर इस बार वोट करेंगे। और देखिए ये आधुनिक युवा, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? वोट देने तो जाओगे ना? किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो? हम तो जॉब, जॉब के मुद्दे पर, यानी रोजगार। बेरोजगार रोजगार या सिर्फ रोजगार? बेरोजगार रोजगार, सब पे, सब पे एकदम इसी मुद्दे पर। तो भैया राम बालक जी जागरूक युवा है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इनको जगह दीजिए भाई। राम बालक जी आप चुनाव में सबको जगह मिलती है, और यहाँ पर और भी लोग हैं, धार्मिक लोग भी हैं। तो राम बालक जी चाचा पीछे हैं और बस में आ चुके हैं। क्या चाचा जी, ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। चुनावी मिजाज भी ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। वोटर बाबू हैं आप, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही। किन मुद्दे पर? वही क्या? वही कमल का फूल, बस सीधा तैयारी कर रहे लोग कि राम जी का जो मंदिर बना है वो बड़ा संदेश दे रहा है, आपको लग रहा है? जी हाँ लग रहा है। क्या लग रहा है? कि जो इतने दिनों में नहीं बना तो अब जो है बन के तैयार हुआ है। क्या चीज? मंदिर। इस बार वोट में राम नाम का संदेश गूंजेगा चुनाव में? जी जी गूंज रहा है। लखीमपुर में कुछ विकास हुआ है? हाँ विकास, बहुत विकास है। क्या? जी मंदिर का ही जो है सर्वश्रेष्ठ तो यही है मंदिर। बड़ा देर से मुस्कुरा रहे, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, खड़े। अरे दादा उनको छोड़ो, तुम बताओ क्या स्थिति है? चुनाव है, मिजाज जमा है जी। किन मुद्दों पर वोट करेंगे वोटर बाबू? बिल्कुल राम मंदिर बना हुआ है और सब काम अच्छा हो रहा है। सब काम अच्छा हो रहा है जी बिल्कुल। तो भैया राम बालक जी सब काम अच्छा हो रहा है, और इस अच्छे काम को भी जो वोटर है
वो मुद्दे के रूप में ले रहे हैं, और जो वोटर बाबू हैं वो अपनी जमीनी समस्याओं को भी बता रहे हैं, इसके साथ ही जो रोजगार की समस्या है उसको भी गिना रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो महिला विकास की बात कह रही हैं, इसके साथ कानून व्यवस्था के विकास की बात कह रही हैं, और जो वर्तमान समय में वोटिंग का जो मुद्दा है वो बता रहे हैं। तो आगे जो अन्य संसदीय सीटें हैं उनका हाल जानेंगे, वोटर बाबूजनों से उनकी राय जानेंगे, और हम आपको दिखाएंगे बताएंगे कि वोटर बाबू क्या कह रहे हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, सी मीडिया, लखीमपुर खीरी के सफर पर।